Hey guys, welcome to Learn and Achieve YouTube channel. इस वीडियो में हम जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं. इम्पोर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, एटम की डिस्कवरी की थी डाल्टन ने. ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की डिस्कवरी की थी विलियम हार्वे ने. डीजल इंजन का इन्वेंशन किया था रेडल्फ डीजल ने. डायनामाइट का इन्वेंशन किया था अल्फ्रेड बी नोबल. इन्हीं के नाम पे नोबल प्राइज दिए जाते हैं. नोबल प्राइज को 6 डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है. पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन में. क्या आपको पता है फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर. उन्हें लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया था 1913 में. पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. डायनेमो का इन्वेंशन किया था माइकल फैराडे ने. रेडियम की डिस्कवरी की थी मैडम मैरी क्यूरी ने और पायरी क्यूरी ने. मैडम मैरी क्यूरी और पायरी क्यूरी ने पोलोनियम नाम के एलिमेंट की भी खोज की थी. विटामिन्स की डिस्कवरी की थी फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने और ये टर्म विटामिन दिया था कैसमीर फंक ने. टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया था सैमुअल मोर्स ने. रेबीज वैक्सीन की खोज की थी लुइस पाश्चर ने. इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी जे जे थॉमसन ने. सीमेंट का इन्वेंशन किया था जोसेफ एस डी ने. बैरोमीटर की इन्वेंशन की थी इवांजेलिस्ता टोरिसेली ने. एडिंग मशीन का इन्वेंशन किया था पास्कल ने. कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था चार्ल्स बैबेज ने. चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं. बैक्टीरिया का खोज किया था, बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने. एक्सरे का इन्वेंशन किया था रियोंगटन ने. क्या आपको पता है विलियम कॉनराड रियोंगटन को 1901 में पहला नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स की फील्ड में, जो उन्हें मिला था एक्सरे के लिए. स्टार्टिंग में नोबेल प्राइज सिर्फ 5 फील्ड्स के लिए दिया जाता था, जिसमें थे केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, फिजिक्स और पीस. लेकिन 1967 में इकोनॉमिक्स की फील्ड को भी इंक्लूड किया गया था. क्या आपको पता है नोबेल प्राइज हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है स्टॉकहोम में. स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज ओस्लो में दिया जाता है. ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है. रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी सीवी रमन ने. सीवी रमन को इस डिस्कवरी के लिए 1930 में नोबेल प्राइज दिया था. क्या आपको पता है इंडिया में साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है. इस दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी. रमन इफेक्ट इंडिया के पहले 3 व्यक्ति में थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था. प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने. रिवॉल्वर का इन्वेंशन किया था सैमुअल कोल्ट ने. प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था गुटेनबर्ग ने. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था चार्ल्स डार्विन ने. चार्ल्स डार्विन की कुछ फेमस बुक्स हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द वॉयज ऑफ बीगल, द डिसेंट ऑफ मैन. इलेक्ट्रिक बैटरी का इन्वेंशन किया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा. क्या आपको पता है अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने मीथेन की डिस्कवरी भी की थी. क्या आपको पता है वोल्ट, जो एक डिराइव्ड यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे दिया गया है. थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दिया है ग्रेगोर मेंडल ने. क्या आपको पता है ग्रेगोर मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है. मशीन गन का इन्वेंशन किया था डॉक्टर रिचर्ड गैटलिंग ने. क्या आपको पता है AK-47, जो
दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली असॉल्ट राइफल है, उसे किसने डेवलप किया था? उसे डेवलप किया था सोवियत यूनियन के मिखाइल कलास्निकोव ने। क्या आपको पता है इंडियन आर्मी के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोरवा अमेठी बनाएगी। ये एक जॉइंट वेंचर है इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जिसके अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, कलास्निकोव कंसर्न एंड रॉसबोरोन एक्सपोर्ट है। इंसुलिन की डिस्कवरी की थी एफ बेंटिंग ने। क्रेसोग्राफ का इन्वेंशन किया था जेसी बोस ने। क्या आपको पता है क्रेसोग्राफ एक डिवाइस होता है जिससे प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर किया जाता है। जेसी बोस का पूरा नाम था जगदीश चंद्र बोस। फाउंटेन पेन का इन्वेंशन किया था लेविस ई वाटरमैन ने। हाइड्रोजन की डिस्कवरी की थी कैवेंडिश ने। मर्क्यूरी थर्मामीटर का इन्वेंशन किया था गैब्रियल फारेनहाइट ने। क्या आपको पता है टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिक यूनिट यानी SI यूनिट होता है केल्विन, जिसे के सिंबल से डिनोट किया जाता है। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। पीरियोडिक टेबल दिया गया था दिमित्री मेंडलीव ने। पीएच मीटर का इन्वेंशन किया था आर्नोल्ड ओ बैकमैन ने। एस्पिरिन का इन्वेंशन किया था फेलिक्स हॉफमैन ने। इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो प्रिंसिपल है जिस पे ट्रांसफॉर्मर काम करता है, इसकी खोज की थी माइकल फैराडे ने। क्या आपको पता है EMF और मैग्नेटिक फ्लक्स के रिलेशन को फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कहा जाता है। टाइपराइटर का इन्वेंशन किया था क्रिस्टोफर स्कूल्स ने। वाटरप्रूफ रबर का इन्वेंशन किया था मैकिंटोश ने। रेडियो एक्टिविटी का इन्वेंशन किया था हेनरी बैक्वेरल ने। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की डिस्कवरी की थी ल्यूक मोंटैग्नर ने। HIV एक वायरस होता है जिससे एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम की बीमारी होती है। एनीमोमीटर का इन्वेंशन किया था बतिस्ता ने। एनीमोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे विंड की स्पीड को मेजर किया जाता है। सेल थ्योरी दी थी स्केलेडिन और स्क्वान ने। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्जी। सेंट्रियोल्स इसकी डिस्कवरी की थी वैन बेंडन ने। क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी हाफ मिस्टर ने। ब्लड कैपिलरीज की डिस्कवरी की थी मार्सेलो माल्पीई ने। बायोकैटलिस्ट की डिस्कवरी की थी बुचनर ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी हैकल ने। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। राइबोसोम की डिस्कवरी की थी प्लेड ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की थी पॉटर ने। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी की थी स्किम्फर ने। वल्कनाइज्ड रबर की इन्वेंशन की थी चार्ल्स गुडियर में। वल्कनाइज्ड रबर में सल्फर ऐड किया जाता है। लिफ्ट का इन्वेंशन किया था एलिसा ओटिस ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था आइजैक न्यूटन ने। एड्रेनलिन का डिस्कवरी किया था जॉन जैकब एबल ने। क्वांटम थ्योरी दी थी मैक्स प्लांक ने। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।